हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। वो हवा टॉडिकन्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स। दोस्तों ये मैच भी आप लोग के लिए जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि कुछ बड़े प्लेयर आउट हैं और ये मैच का टाइमिंग जो है दोस्तों वो बहुत ही अजीब है। मॉर्निंग 4:45 मीन्स 5:40 मैच होगा। और दोस्तों ये एक ऐसा टाइम जहाँ पे अभी के टाइम में मैक्सिमम बंदे सोए ही रह जाएंगे और टीम एडिट नहीं कर पाएंगे। आप लोग रीजन समझ सकते हो क्या है रीजन। तो इस और स्पेशली ये जब मैच कोई बंदा कंटेस्ट ज्वाइन करेगा तो मैक्सिमम को तो ये लगेगा कि भाई सब ये दिन के 1:30 वाला जो शेड्यूल था या फिर 12 बजे के आसपास वाला जो शेड्यूल था उसी शेड्यूल में है, लेकिन ये उस शेड्यूल में नहीं है। तो ये वहाँ पे भी कुछ बंदे इसको एडिट करना भूल जाएंगे। और कुछ बड़े प्लेयर आउट हुए हैं और कुछ बड़े प्लेयर इन हुए। सबसे बड़ा प्लेयर जो आउट हुए वो एरन फिंच भाई, सब ये कल के मैच खेलने वाले नहीं है। और यही एक रीजन है कि मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ बड़े प्लेयर को अपने टीम में ले रहा हूँ। तो स्पेशली आपको दिख जाएगा मोहम्मद नबी, फिर दिख जाएगा आपको किमो पॉल, इन सबको मैं अपने टीम में ले रहा हूँ। रीजन आप लोग को मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। और सबसे एक मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, वो रिस्क क्या है मैं आप लोग को वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हॉबर्ट हरिकन्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के जो प्लेइंग 11 है उसको लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 तो आप लोगों को वीडियो के अंदर मैं बोली दूंगा, बाकी आप लोगों को बता दूं कि मैं बेस्ट ड्रीम 11 टीम क्या है। और फिलहाल जो दोस्तों मैं ड्रीम 11 का टीम बना रहा हूँ उसी से सारी जगह खेल रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक ऑप्शन दूंगा, अगर आप लोग वो ऑप्शन को रिस्क एफर्ट कर सकते हो तो बाकी क्या पे वो रिस्क एफर्ट कर लेना, क्योंकि इस मैच में कुछ प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंस हो गया, कुछ प्लेयर का रोल इस मैच में कम गए हैं। तो किसके रोल बढ़ गए, सबसे पहले अभी हो जाएगा रैली रूसो। दोस्तों रैली रूसो का मैच और परफॉर्मेंस जो है इस मैच में अच्छा हो सकता है। रीजन ये अपना एक्चुअल पोजीशन जो इनका है 1 डाउन, वहां पे बैटिंग करने के लिए आएंगे, तो आप इनसे एक अच्छा खासा उम्मीद लगा सकते हो। आप लोग चाहो तो रैली रूसो के स्मॉल लीग में ड्रीम 11 पे भी ले सकते हो और मिनी जीएल में यहां तक इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैं ड्रीम 11 टीम क्या है, और इसके साथ साथ आप लोग को बात कर लेंगे कि इन मैच में इन्वेस्टमेंट आपको कैसा करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ड्रीम 11 टीम फिलहाल मेरा क्या है। दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में बात कर ले तो मैथ्यू वेट आप लोग को पता ही होगा इंडिया के साथ खेल रहे, तो ये खेलने वाले नहीं है। पीटर हैंडसकम दोस्तों आपको नंबर 3 पे खेलते दिख जाएंगे, हसाम हार पर आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। और टीम पेन भी इंडिया के साथ क्या लाजवाब नौ खेलिया, लाजवाब इनिंग खेला इन्होंने इंडिया के साथ। तो अभी दोस्तों हम बात कर लेंगे पीटर हैंडसकम और सैम हार्पर में। तो पीटर हैंडसकम दोस्तों आपको बैटिंग करेंगे 11-12 ओवर के बाद, एवरेज और सैम हार्पर आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, तो इनसे आप अच्छा खासा उम्मीद लगा सकते हो। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, चांसेस बहुत कम है कि रैली रूसो को ओपन करवा दिया जाए, बट इनके इनके चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं इसके लेकर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप लोगों को सैम हार्पर यहां से बात कर ले, 70% सिलेक्शन एरन फिंच खेलने वाले नहीं है। सन मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस मैच में, वैसे आपके लिए रैली रूसो हो सकते हैं इस मैच में, इनका योगदान बहुत ही अच्छा हो सकता है। और आप ऐसा भी देख सकते हो रैली रूसो आपको 50+ रन का नॉक खेल के दे सकते हैं। तो आप लोग इनको मिनी जीएल जीएल में कंफर्म कवर लोगे या अपने टीम में, ना सिर्फ लोगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हो। नीचे आ जाएगा दोस्तों बेन मैकडरमॉट 1 डाउन बैटिंग करेंगे और अपनी टीम से हॉवर्ड से पिछले सीजन हाई स्कोर हाई रन गेटर थे मेरे अकॉर्डिंग, और कॉलिन इंग्राम को अपनी टीम में लोगे। फिर आप नीचे से लोगे अपनी टीम में, मैं बात करूं तो सॉरी दोस्तों हाई स्कोर नहीं थे शायद से, और यहाँ से हाई स्कोर शायद से थे हॉवर्ड से डीआर की शॉट और मैथ्यू वेट, लेकिन पिछले सीजन उन्होंने भर पड़े रन बनाए थे, बहुत ज्यादा रन बनाए थे। तो अब नीचे बात कर लेंगे दोस्तों मार्कस हैरिस खेलने वाले नहीं है। टीम डेविड को आप लोग लोगे नहीं, वाले 44% बंदे लिए हुए, सिंगापुर का प्लेयर है और बैटिंग अमून ये करते हैं 15 ओवर के आसपास। इनका जो रन बनता है रीजन क्या है कि ये 2 ओवर का जो बीच में बैटिंग पर प्ले वाला स्कीम आया है ना, उसके बाद ये फायदा बेहतरीन उठाते हैं। दोस्तों नीचे बात कर लेंगे फ्रेजर को आप लोग मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो। मैकेंजी हार्वे को मैं लेने वाला नहीं हूँ, डिस्कस नहीं करूंगा, और एम राइट को लेकर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग विल जैक्स को अपने टीम में ले सकते हो, दोस्तों ओपनर है और कभी भी इनके बल्ले से एक बेहतरीन नॉक आ सकती है। आप लोग को पता ही होगा साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक में ये भाई सब ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट दिला देते, लेकिन हॉबर्ट से जब 6 बॉलर का ऑप्शन डीआर की शॉट है तो मुझे नहीं लग रहा है 7th बॉलर का ऑप्शन वो लोग यूज करेंगे। नीचे जाओगे दोस्तों तो मैं नीचे फिलहाल के लिए किसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूं दोस्तों डीआर की शॉट आपके लिए मस्ट पिक है और ये आपको बैटिंग से अच्छा खासा पॉइंट दिला देंगे, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को अपडेट दे दूं कि डीआर की शॉट इस टूर्नामेंट में बहुत कम बॉलिंग कर रहे हैं और कल के भी मैच में मुझे लगता है कि इनको ज्यादा ओवर नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 1 से 2 ओवर। अगर आप चाहते हो डीआर की शॉट को कैप्टन देना तो अपने टीम में भेजक दे सकते हो, बट इस टूर्नामेंट में बैटिंग में डीआर की शॉट बहुत रन बनाते हैं, बेहतरीन रन बना के देंगे। और आप लोगों को पता ही हुआ डीआर की शॉट पिछले सीजन क्या किए थे, लेकिन इस सीजन वो उस टच में दिख नहीं रहे। नीचे बात कर लेंगे दोस्तों मोहम्मद नबी, तो मोहम्मद नबी टूर्नामेंट में वापसी किए हुए, पहला मैच खेलने वाले इस सीजन का, तो इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी ट्रीट कर सकते हो। पिछले सीजन भाई इन्होंने बॉलिंग से भी अच्छा किया था, बैटिंग से भी अच्छा किया था। मेलबर्न रेनेगेड्स पहले बॉलिंग करती है तो मैं अपने टीम में मोहम्मद नबी को ना सिर्फ लूंगा कैप्टनसी भी देने वाला हूं। नीचे बात कर लूं जेम्स फॉकनर आपकी टीम में होना ही चाहिए, और नीचे किमो पॉल को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। दोस्तों भाई सब डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर आपको ये डेथ में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे,
साथ में दोस्तों ये आपको थोड़ा बहुत कुछ रन भी करके दे सकते हैं अगर इनको बैटिंग आई तो। उससे ऊपर बात करेंगे दोस्तों, बी वेबस्टर को भी अपने टीम में ले सकते हो। पिछला मैच 4 ओवर बॉलिंग किए हुए थे, पिछला से पिछला मैच जहां पे उन्होंने ग्लेन फिलिप्स का आसान सा कैच एंड बॉल ड्रॉप किया हुआ था। तो बी वेबस्टर अगर वो पॉइंट ले लेते तो वैसे यहाँ डायरेक्ट आपको दिख जाता 85 पॉइंट के आसपास। लेकिन बी वेबस्टर बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, पिछले सीजन मेलबर्न रेनेगेड्स से सेकंड हाई स्कोरर थे आफ्टर फिंच, लेकिन वैसे इस सीजन के बल्ला अभी तक खामोश है, कभी भी लंबा स्कोर ये कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात कर ले दोस्तों, आपके रिचर्डसन को अपने टीम में लेकर जाओगे, इमरान ताहिर खेलने वाले नहीं है, पैटिंसन खेलने वाले नहीं है, जेस लेलोर इस टूर्नामेंट में अच्छे खासे बॉलिंग कर, जेस लेलोर भी आपके टीम होना चाहिए। नूर अहमद को अगर आप लोग चाहो तो मिनी जीएल जीएल में ट्राई कर सकते हो, अगर खेलते हैं दोस्तों नूर अहमद तो। उससे नीचे आ जाएंगे नथन इलियास, वैसे डेथ स्पेशलिस्ट, और मैं बोलूंगा कि अगर हॉवर्ट की पहले बॉलिंग आती है तो आप नथन इलियास को अपनी टीम में लेकर जा सकते हो, क्योंकि डेथ में बहुत ही अच्छा ये बॉलिंग डालते हैं और लगातार विकेट लेकर निकल रहे हैं। उससे नीचे आ जाओगे दोस्तों रैली मिलाडी दोस्तों आपको बीच के ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे और स्टार्ट ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि ये पिछले सीजन भी अच्छे खासे विकेट लिए थे और इस सीजन भी लगातार विकेट लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग मिनी जीएल जीएल में रिस्क ले सकते हो तो आप लोग रैली मेराडिस की जगह पे नथन इलियास ले लेना अगर हॉवर्ट की पहले बॉलिंग आ जाए तो। नीचे हम बात कर लेंगे दोस्तों स्कॉट बोलेंड के ऊपर आप रिस्क खेल सकते हो दोस्तों, ये एक ओवर लास्ट में फेंकते हैं, बाकी के 3 ओवर ऊपर फेंकते हैं। और दोस्तों इन्होंने अभ्यास मैच में एक मैच 4 ओवर 40 रन 4 विकेट भी लिया था, तो आप लोग अपने टीम में स्कॉट बोलेंड को भी ले सकते हो। नीचे बात कर लेंगे जोहन बोथा को लेकर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वैसे आपके मिनी जीएल के लिए सबसे बेस्ट पिक है हट जलू, क्योंकि दोस्तों ये स्पिन बॉल डालते हैं, बहुत ही अच्छा स्पिन डालते हैं, गुगली इनका सबसे बेहतरीन बॉल है। आप लोग हट जलू को चाहो तो मिनी जीएल जीएल और स्मॉल लिंग में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये आप इनको बहुत कम बंदे लेके आएंगे स्मॉल लिंग में, और इनका अगर दिन रहा दोस्तों तो एक स्पिन में दो से तीन विकेट लेके निकल सकते हैं। तो आप लोग पी हट जलू को मिनी जीएल या फिर जीएल, मैं तो यहां तक बोलूंगा कि स्मॉल लिंग में भी अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो ट्राई कर सकते हो। उसके साथ देखो दोस्तों न्यूविल सदरलैंड आप लोग मिनी जीएल जीएल में ट्राई करना, जोन हॉलैंड के साथ भी यही अगर खेलते हैं तो मिनी जीएल जीएल में ट्राई करना। बाकी नीचे से दोस्तों कोई प्लेयर खेलने वाले हैं नहीं, तो मैं आप लोग को डायरेक्ट बताता हूं कि मैं ड्रीम 11 टीम फिलहाल के लिए क्या है। तो मैंने यहां से केन रिचर्डसन के लिया है, जेएस लेलोर के लिया हुआ है, और मैंने यहां से रैली मेराडिस को लिया हुआ है। हो सकता है दोस्तों कि अगर हॉबर्ट की पहले बॉलिंग आता है तो मैं रैली मेराडिस की जगह नथन इलियास के ऊपर शिफ्ट कर लूं, ये आप लोग को मिलेगा अपडेट टॉस के बाद। अगर हॉबर्ट की पहले बैटिंग आती है तो मैं इसी ऊपर सोचूंगा, क्योंकि नथन इलियास की अगर बैटिंग आता है तो आपको 10 से 15 रन बैटिंग से भी करके दे सकता है दोस्तों। ये बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है, कभी कभी ये विनिंग और लूजिंग भी डिसाइड करवा देता है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर ले दोस्तों, तो मैंने यहाँ से लिए डीआर की शॉट मोहम्मद नबी और जेम्स फोकनर को। बैटिंग सेक्शन से बात कर ले दोस्तों, मैंने लिए साउन मार्स को, फिर मैंने लिए मैक डॉर्मेट को, कॉलिन इंग्राम को, और विकेट कीपर सेक्शन से मैंने लिए सैम हार्पर को। ध्यान से देखना दोस्तों, आप अदर प्लेटफॉर्म पर खेलोगे तो आपके पास 8.5 के जगह और भी एक्स्ट्रा क्रेडिट बचेंगे, 9 से ज्यादा क्रेडिट बचेंगे या फिर 10 के आसपास क्रेडिट बचेंगे। तो आप लोग अदर प्लेटफॉर्म पर चाहो तो राइटली दोस्तों को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बैट्समैन और ये आपके लिए एक अच्छा इनिंग खेल सकते हैं इस मैच में। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम में लेकर जा रहा हूँ केमो पॉल को, और मैंने केमो पॉल को अपनी टीम में लिया हुआ है। आप लोग चाहो तो इनके जगह पे नथन इलियास को भी ले सकते हो, ये मेरा फिलहाल के लिए दोस्तों फाइनल टीम है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आफ्टर टॉस इस टीम में कुछ चेंजेस दिख सकते हैं। केमो पॉल को मैं नहीं छोड़ने वाला, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग चेंज करना चाहो तो इनके जगह पे आप लोग रैली मेरा डिथ को तो मैंने लिए नथन इलियास को ले सकते हो, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आपको केमो पॉल के साथ जाना है या फिर नथन इलियास के साथ जाना है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो अपोनेंट के कैप्टन डीआर की शॉट और सॉन मार्स रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि डीआर की शॉट भी ओपन करता है, सॉन मार्स भी इस मैच में ओपन करके देगा। दोनों टच में है और दोनों का रिकॉर्ड एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पीआर भाई कुछ अलग करने जा रहे हैं इस मैच में। मैं अपना कैप्टन दे रहा हूं दोस्तों मोहम्मद नबी को। अगर रेनिगेट पहले बॉलिंग करता है दोस्तों तो मैं ये कंफर्म मान के चलो तो मैं कैप्टन दूंगा यहां से मोहम्मद नबी को। वाइस कैप्टन दोस्तों मैं फिलहाल के लिए दे रहा डीआर की शॉट को, लेकिन मैं यहां पे दोस्तों यहां से आप चेंज भी कर सकते हो, डीआर की शॉट के जगह पे वीजी किसी और के भी साथ जा सकते हो, जैसे कि पॉल जेम्स फोकनर। रीजन क्या है दोस्तों, आप एक बैट्समैन पे कंफर्म नहीं हो सकते, हो सकता है डीआर की शॉट आपको 50+ रन करके दे, लेकिन सामने की टीम से स्टार्टिंग गेंदबाज है केन रिचर्डसन और जेस लेलोर। पिछले मैच में एरन फिंच ने बस एक ही गलती किया था, केन रिचर्डसन से स्टार्ट नहीं करवाया था, उसका खमियाजा उन्हें अच्छा सा भुगतना पड़ा था, और ग्लेन फिलिप्स ने क्या नॉक खेल दी थी उनके अगेंस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टन साउन मार्स ये गलती फिर से करने वाले हैं, और केन रिचर्डसन लेलोर के सामने डीआर की शॉट के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। यही सब कुछ टिप्स था जिसके कारण मुझे वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों, और मैं फिलहाल के लिए इस टीम को सेव कर लेता हूं, और मेरा कैप्टन फिलहाल के लिए जो है वो है मोहम्मद नबी, और वाइस कैप्टन मैं दे रहा हूं फिलहाल के लिए डीआर की शॉट को, या मैं किसी और को भी वाइस कैप्टन दे सकता हूं दोस्तों। इस टीम को मैं सेव कर लेता हूं, बाकी आप लोग चाहो मिनी जीएल जीएल में क्या करना तो कैप्टन इसको रखना। आप लोग मिनी जीएल जीएल में क्या करोगे, कैप्टन मोहम्मद नबी को दोगे, वाइस कैप्टन एक में डीआर की शॉट, दूसरे में पॉल, तीसरे में फोकनर, चौथे में इंग्राम, पांचवें में डॉर्मेट, छठे में मार्स, सातवें में हार्पर, आठवें में रिचर्डसन, नौवें में लॉडर, और दसवें में मेराडिस। आपका मिनी जीएल कन्फर्म आएगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर रेनिगेट्स की पॉले बॉलिंग आती है तो मैं इसी की टीम के साथ जाने वाला हूं। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो इसका मैं अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए जुड़ना बहुत ही जरूरी है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स से पहले कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर कुछ ऐसे सर्च कर लेना।
टेलीग्राम पे दोस्तों आप लोग सर्च करोगे प्रेडिक्शन राजा 1.9 के सब्सक्राइबर दिख जाएंगे यहाँ पे आप सभी को आ जाना, या फिर आप सर्च करोगे दोस्तों टेलीग्राम पे @PredRaja। भाई साहब अगर आप यहाँ नहीं हो तो आप बहुत कुछ मिस करोगे, 1.9 के सब्सक्राइबर दिख जाएंगे आपको @ और दोस्तों यहाँ पे PredRaja 123 करके सर्च कर लेने और यहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। बाकी अगर आपने इससे पहले मैच जो ओमेन वाला है ये अगर जैकपॉट मैच नहीं देखा हो तो भाई साहब इसको जरूर देख लेना, ये इससे भी बड़ा जैकपॉट मैच है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा ये वीडियो देख लियो, इसके बाद आप लोग ये वीडियो जाकर ओमेन वाला जो मैच है उसको पूरा देख लेना। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और जो भी आपको कमेंट कर रहा हो कमेंट जरूर कर देना, और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे आ जाओ सारे, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।